देखिए, सरकार ने निर्णय लिया है कि 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में इंटेंसिव कैंपेन ड्रग्स के खिलाफ चलाया जाएगा, और उसी कड़ी में आज कांगड़ा जिला में भी शुरुआत की गई है। न सिर्फ जिला के हेडक्वार्टर में बल्कि सारे हमारे सब डिविजन में इस तरह की शुरुआत की गई है, और पूरे एक महीने का एक एक्टिविटी चार्ट बनाया गया जिसके माध्यम से हम लोगों तक पहुँचेंगे, लोगों तक ये मैसेज लेकर पहुँचेंगे कि नशे से कैसे दूर रहना है और इसके प्रकोप से कैसे बचना है और किस प्रकार से इन्फॉर्मेशन शेयर करना है ताकि जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं जो इस तरह का व्यापार कर भी रहे हैं उनके खिलाफ किस प्रकार से एक्शन लिया जा सकता है। एसपी जिला कांगड़ा विमुक्त रंजन ने बताया कि ड्रग फ्री हिमाचल ऐप है जिसमें कोई भी व्यक्ति ऑडियो वीडियो या टेक्स्ट के माध्यम से नशे से संबंधित हर सूचना दे सकता है जो कि सीधे जिला के संबंधित एसपी को पहुंचती है। इस ऐप की खासियत ये है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की कोई भी जानकारी पुलिस से शेयर नहीं होती है। ऐसे में इस ऐप से सूचना देने वाला नीडर होकर जानकारी दे सकता है। इसके माध्यम से हम नशा कारोबारी व ड्रग पेडलर तक JNU में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर अपशब्द लिखने और उसे तोड़ने की घटना पर ABBP बिफर गई है, जिसके विरोध में ABBP की धर्मशाला इकाई ने धर्मशाला कॉलेज में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ऐसी घटना को अंजाम देने वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ नारेबाजी की गई तथा सरकार से ऐसे स्टूडेंट्स का चेहरा पूरे देश के सामने लाने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई गई। ABBP का स्पष्ट कहना है कि यदि सरकार ने इस दिशा में शीघ्र कठोर कदम न उठाए तो ABBP आंदोलन उग्र करेगी। ABBP का कहना है कि गत वर्ष भी JNU में देश विरोधी नारे लगे थे, उस समय भी सरकार ने तत्काल कार्रवाई न करके काफी दिनों बाद नारेबाजी करने वाले स्टूडेंट्स को बर्खास्त किया था। ABBP का कहना है कि स्वामी विवेकानंद हमारे आदर्श पुरुष हैं तथा उनकी प्रतिमा के साथ ऐसा प्रताप सहन नहीं किया जाएगा। ABBP के जिला संयोजक अभी राणा ने बताया कि JNU में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति को तोड़ा गया और मूर्ति पर अपशब्द लिखे गए। हमारी मांग है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने ये सब किया है उन्हें चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा ABBP आंदोलन तेज कर देगी। आज ABBP के जिला केंद्र धर्मशाला में ही धरना प्रदर्शन किया गया है। सरकार का जो भी फैसला आता है उसका इंतजार किया जाएगा, उसके बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। परिषद पदाधिकारियों के दिशा निर्देशों पर आगामी रणनीति अपनाई जाएगी। गत वर्ष भी JNU में देश विरोधी नारे लगे थे, उस दौरान भी केंद्र सरकार ने तत्काल कार्रवाई न करके काफी दिनों बाद कार्रवाई करते हुए उन स्टूडेंट्स को बर्खास्त किया था। हमारे आदर्श पुरुष स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के साथ ऐसा बर्ताव करने वाले स्टूडेंट्स का चेहरा पूरे देश के सामने लाया जाए तथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जिला मुख्यालय धर्मशाला स्थित जोनल अस्पताल में ब्लड की कमी को दूर करने के उद्देश्य से प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मुख्यालय धर्मशाला के परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बोर्ड प्रशासन को स्थानीय अस्पताल के ब्लड बैंक में ब्लड की कमी की सूचनाएं मिली थी, जिस पर बोर्ड सचिव धर्मेश रमोत्रा ने बोर्ड कर्मचारी संघ से बातचीत करके रक्तदान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया था, जिसे अमलीजामा पहनाते हुए शिविर का आयोजन किया गया। जानकारी के अनुसार बोर्ड प्रशासन ने टारगेट तो अधिक रक्तदान का रखा था, लेकिन सूचना मिली थी कि स्वास्थ्य के पास 35 यूनिट ही रखने की क्षमता है, जिसके तहत प्रयास किया गया कि 35 यूनिट का लक्ष्य पूरा हो जाए। रक्तदान स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है। रक्तदान के बाद नई रक्त कणिकाएं बनती हैं, ऐसे में स्वस्थ शरीर के लिए कुछ अंतराल बाद नियमित रूप से रक्तदान आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने कर्मचारी संघ के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया तथा भविष्य में भी इस तरह के आयोजन किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव धर्मेश मोत्रा ने बताया कि हाल ही में निर्णय लिया गया था कि शिक्षा बोर्ड में रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। हमें सूचना मिली थी कि जोनल अस्पताल धर्मशाला में खून की कमी बनी रहती है, जिस पर निर्णय लिया गया कि रिवायत बनाई जाए कि कर्मचारी रक्तदाता के रूप में आगे आए। नियमित तौर पर विभिन्न संस्थानों द्वारा रक्तदान करने से जोनल अस्पताल के ब्लड बैंक में ब्लड की कमी को दूर किया जा सके।